नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। तो आज हम का कबूतर से लेकर के अंगा तक के अक्षरों को लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये कौन है? ये है क से कबूतर, क से कबूतर। एंड ये है ख से खरगोश। मेरे साथ में बोलो, क से कबूतर। और ये है खा से खरगोश। और ये है ग से गमला। ये है घा से घर, घा से घर। घर को और क्या, हाउस भी बोलते हैं ना। ये है घा से घर। और रैबिट को क्या कहते हैं? रैबिट को खरगोश भी कहते हैं। खा से खरगोश, आर से रैबिट। और ये है का से कबूतर। ये कौन है? अभी हम का के ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ये है का से कबूतर। का से कबूतर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर ये कर्व बनाया और ये डाउनवर्ड ओपन कर्व। ये बन गया का से कबूतर। का से कबूतर, का से और क्या होता है? ये है क से कमल। का से कमल, का से कमल। इसको लोटस भी बोलते हैं ना, कमल को लोटस भी बोलते हैं। और ये हिंदी में क से कमल बोलते हैं। और ये क्या है? ये है क से कलश। का से कलश। कलश का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जब हमारे घर में पूजा होती है तो कलश बनाते हैं ना, ये इसका यूज पूजा में करते हैं। क से कलश, का से कलश। और ये है क से करेला। का से करेला। ये बहुत कड़वा कड़वा होता है ना, बट बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। ये है का से ग्रीन, ग्रीन करेला। करेला तो वेजिटेबल है ना, का से करेला। और ये क्या है? ये है का से कढ़ाई। का से कढ़ाई, ये हमारे कपड़ों में होती है ना, डिज़ाइन बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? का से कढ़ाई। क्या कहते हैं? का से कढ़ाई। ये क्या है? ये है, अभी आ गया ये, खा से खरगोश। ये है खा, खा। कौन है ये? खा, खा से खरगोश। खा से, ये है खा से खरगोश। खरगोश को और क्या कहते हैं? खरगोश को रैबिट भी कहते हैं ना। यस, खरगोश को रैबिट भी कहते हैं। ये कौन है? खा से खजूर, खा से खजूर, खा से खजूर। ये है खा, खा से खजूर। खा से और क्या होता है? खा से खरबूजा, खा से खरबूजा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्कमेलन। इंग्लिश में कहते हैं एम फॉर मस्कमेलन। और हिंदी में कहते हैं खा से खरबूजा, खा से खरबूजा, खा से खरबूजा। ये कौन है? ये है खा से खड़ाऊ, खा से खड़ाऊ। अच्छा, हमारे जो भगवान जी लोग होते थे, गॉड होते थे, वो क्या पहनते थे? खड़ाऊ पहनते थे पैर में, जिससे उनके पैर में कंकड़ पत्थर ना लगे। हम लोग तो स्लीपर, सैंडल, शूज़ पहनते हैं ना, बट जो पहले गॉड लोग और साधु संत लोग होते थे, वो क्या पहनते थे? खड़ाऊ, खा से खड़ाऊ। अभी कौन आ गया? खा खरगोश के बाद कौन आता है? ये है गा गमले का। गा से, ये गा से गमला, गा से गमला। गमले में हम प्लांट लगाते हैं ना, गा से गमला। ये है गा से गमला, गा से गमला। ये क्या है? ये है गा से गाय, गा से गाय, गा से गाय। गाय को काऊ भी बोलते हैं ना, इंग्लिश में काऊ बोलते हैं, हिंदी में गाय बोलते हैं। ये कौन है? ये है गा से गठरी, गा से गठरी। हम जब किसी सामान को एक ऐसे पोटली बना के उसमें रख देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गा से गठरी, गा से गठरी। ये फूलों की गठरी है। किसकी गठरी है? फूलों की गठरी है। इसमें देखो कितने सारे फूल हैं ना। और ये क्या है? गा से गधा, गा से गधा। गधे को डोंकी भी बोलते हैं ना। यस, गधे को डोंकी भी बोलते हैं। ये है गा से गधा। और ये क्या है? ग से
गधा, वो गा से गधा है और ये गा से गधा है, वो गा से गधा है, ये गधा है, गा दा, ग और दा और वो धा है, धा धनुष का। अभी ये गा गमले के बाद कौन आता है, ये आ गया घा घड़ी का, ये है घा से घर, घा से घड़ी, ये क्या है, ये तो है घा घर, ये है घा से घर, घर को हाउस भी बोलते हैं ना, यस घर को हाउस भी कहते हैं, ये क्या है, ये है घा से घड़ी, क्या है ये, घा से घड़ी, घड़ी हमें टाइम बताती है ना, तभी हम टाइम से उठ पाते हैं, टाइम से सो भी पाते हैं, हमें टाइम कौन बताता है, घा से घड़ी, घा से घड़ी, ये क्या है, ये है घा से घड़ा, घा से घड़ा, इसमें हम पानी को ठंडा ठंडा करते हैं ना, ये है घा से घड़ा, ये क्या है, अंगा, अंगा से कुछ नहीं, अंगा से कुछ नहीं, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंगा से कुछ नहीं। तो ये आपको मौखिक लर्न करने हैं और इन अक्षरों की पहचान करनी है, ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।